हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं एक नया लेटर लेकर आया हूं जो आप लोग को बताता हूं कौन सा लेटर है, कैसे आप लोग लिख सकते हो। कौन सा लेटर है? कोविड-19 के दौरान विद्यालय जाने हेतु अभिभावकों द्वारा सहमति पत्र। जैसे सपोज मान लो स्कूल खुल गया, स्कूल वाले अपने ऊपर नहीं लेते कि अपने पेरेंट्स से बोलो कि आप एक लेटर लिख के दे जो वो सहमति पत्र की मैं स्कूल भेज रहा हूँ। इस तरीके से कैसे परमिशन का अपने मदर से पेरेंट्स से कैसे परमिशन ले सकते हो, वो पत्र मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, सेवा में क्या कर सकते हो, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये कौन आप लोग का लेटर लिख रहा है? पेरेंट्स आपके लेटर लिख रहे हैं और बाकी कोई नहीं लिख रहा है, आप नहीं लिख रहे, आपके पेरेंट्स लेटर लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सेवा में और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, फिर वहां इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, विद्यालय नेम, यहाँ क्या आ जाएगा, विद्यालय का नाम, जहां स्कूल, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का लिखना है, इधर नाम लिखना है। उसके बाद विद्यालय का पता, कहाँ पे वो विद्यालय पढ़ता है, स्कूल कहाँ पढ़ता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा। विषय मतलब सब्जेक्ट होता है, अभिभावक द्वारा विद्यालय जाने हेतु सहमति पत्र, मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने की परमिशन दे दिए या सहमति दे दिए हैं, इसके लिए प्रार्थना पत्र है। अब उसके जस्ट नीचे महोदय लिखना है। अब यहाँ क्या लिखना है, सविनय निवेदन है यह है कि मेरा बेटा, अब यहाँ लिखना अपने बेटे का नाम, अपने बेटे का नाम मैं एग्जाम्पल में एक लिख दिया हूं। उसके बाद यहाँ अपने बेटे का नाम लिखना है, आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं ब का छात्र है। उसके बाद सेकंड क्या लाइन लिखना है, जैसा कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार अगले सप्ताह की शुरुआत से विद्यालय खुल रहा है मेरा बेटा। अब यहाँ फिर से अपने बच्चे का क्या लिखना है, नाम लिखना है यहाँ पे, मेरा बेटा भी विद्यालय जाकर अपनी पढ़ाई करने का इच्छुक है। इसके बाद क्या लिखना है, वह कोरोना से बचाव हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों का पूरा पूर्णतः पालन करेगा। इतना परमिशन दे रहे हैं, पेरेंट्स अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कुछ भी होएगा मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या है, लास्ट में लिखना, अतः मैं स्वेच्छा से अपने बेटे, जो यहाँ फिर से अपने बेटे का नाम लिखना है, को विद्यालय भेजने की अनुमति प्रदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद धन्यवाद यहाँ लिखना है, धन्यवाद। उसके नीचे छात्र का नाम, जो उनके लड़के का नाम है, छात्र का नाम, स्टूडेंट का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, अभिभावक का नाम, मतलब पेरेंट्स का नाम आएगा। उसके बाद पेरेंट्स का अभिभावक के हस्ताक्षर मतलब उनका सिग्नेचर आएगा, साइन आएगा। अभिभावक का मोबाइल नंबर, वहां उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद जिस तारीख को वो परमिशन दिए उस तारीख का वहां क्या आएगा, डेट आएगा। आप लोग को इस तरीके से लिख के जाओगे तो आप लोग को 100% स्कूल में बैठने की अनुमति मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले सब लोग स्कूल में, कोई भी स्कूल में इस समय कोविड-19 के तहत जब भी स्कूल में जाओगे, पहले स्कूल वाले क्या मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे कि अपने पेरेंट्स से क्या करो, एक लेटर लिखवा जो वो भेज रहे हैं। स्कूल वाले की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कोविड-19 का है और इसके लिए पेरेंट्स भेजेंगे, अनुमति देंगे, तभी वो सामने से स्कूल में बैठा सकते हैं, अदरवाइज वो स्कूल में नहीं ले सकते। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग लेटर लिख लो और जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करना, जिससे और लोगों को तक ये पहुंच सके। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजबल सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माई फ्रेंड।